हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पेन ड्राइव को एंटीवायरस से कैसे स्कैन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा दीजिए। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर जाना है दिस पीसी फोल्डर में। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि मेरे कंप्यूटर में दिस पीसी नाम से, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये माई कंप्यूटर के नाम से हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन मिलता है यूएसबी। ठीक है, आपकी पेन ड्राइव का नाम रिमूवेबल डिस्क भी हो सकता है, या अगर आपने कोई पेन ड्राइव का नाम रखा है तो वो नाम भी यहाँ पर शो कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। जो भी एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होगा वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे में विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस है तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप में आवाज या कोई और एंटीवायरस है तो उसका लोगो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे लिखा होगा स्कैन विथ माइक्रो डिफेंडर, या जो भी एंटीवायरस है उसका नाम यहाँ पे दिया होगा, स्कैन विथ आवाज या जो भी एंटीवायरस है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और इसने देखिए, डिपेंड करता है कितनी बड़ी फाइल साइज है आपके पेन ड्राइव में। अगर छोटी सी फाइल है तो जल्दी से स्कैन कर देगा। देखिए इसने तुरंत स्कैन कर दिया और यहाँ करेंटली दिखा रहा है नो करंट थ्रेट।